देखो व्यूअर्स, ये देखिए हमारी मशीन कैसे ख़राब हुई पड़ी है। वैसे तो एकदम अच्छी चलती है लेकिन देखने में बहुत बुरी है ये। तो इसे मैंने रेगमाल से बहुत साफ किया है। ये देखिए रेगमाल से रगड़ने के बाद इसका कलर थोड़ा सही हुआ है, वरना बहुत बुरी हो रही थी ये। और अब इसे यहाँ से भी खोल लेंगे, ये यहीं लगा रहने देते हैं पेंच, वरना खो जाएगा। और अब हम इसे यहाँ से साफ़ करेंगे। मशीन काम तो सही करती है लेकिन लोकेशन भी आजकल बहुत ज़रूरी है, चीज़ दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। बाज़ार में नहीं भेजी, मैं खुद इसे कोशिश कर रही हूँ अच्छी करने की, इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना इसमें से डस्ट निकला है, कितनी गंदगी निकली है इसमें से। ये देखिए कितना काला हुआ पड़ा है ये, इसे भी चमकाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने इस पर रेत डाल लिया है थोड़ा सा, और अब रेगमाल से रगड़ रही हूँ इसे। इधर से भी देखिए कितनी गंदी हो रखी है ये, इधर से भी इसे साफ करती हूँ। ये देखिए रगड़ने के बाद कितना चमका है ये, जहाँ तक भी मुझसे हो सका। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से रेत पे रगड़ेंगे। ये चीज़ जितनी चिकनी होती है उतनी अच्छी चलती है मशीन, इन पे तागा इलाज कर चलता है वरना। इधर से भी हम रेत से साफ़ करेंगे इसे, इसको भी रगड़ देते हैं अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले हम इसमें पेंट करते हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके यहाँ पर करेंगे। और पेंट करने के बाद अब हम इसे साफ़ करेंगे, अब हम इसे रगड़ लेंगे। ये देखिए रगड़ने के बाद ये ब्लैक और सिल्वर बहुत प्यारा लग रहा है, अंदर से हमारा ब्लैक ब्लैक और ऊपर से सिल्वर सिल्वर चमक रहा है। अभी और फिनिशिंग आएगी इस पर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, अंदर का ब्लैक ब्लैक और बाहर से सिल्वर सिल्वर एकदम चांदी सा चमक गया है ये। ये जहाँ जहाँ पर हमारी मशीन में छेद हैं हम वहाँ पर तीली लगा रहे हैं ताकि इनमें पेंट ना अंदर चला जाए, इसलिए। अब हम इस पर पेंट कर देंगे। देखिए हमारा पेंट हो गया है, अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। अभी इसका तख्ता भी पेंट करेंगे हम कत्थई कलर से, और फिर देखना आप मशीन कितनी प्यारी लगेगी। ये देखिए यहाँ पर हमने वैसे ही खोद लिया है अपना नाम। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखती हूँ गोल्डन कलर से। बिल्कुल नई तो नहीं लेकिन उससे बहुत अच्छी हो गई है हमारी मशीन, आप देख सकते हैं। ये सूख कर बहुत अच्छा लगेगा, ये गोल्डन कलर है।